दस्ताखान। और ये देखिए पाए बने हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। न्यू व्लॉग के साथ आपकी सिस्टर हाजिर है, एज यूजुअल हंसती भी मुस्कुराती भी। और आई थिंक आज हमें इनवाइटेड, अभी हम जा रहे हैं सूरह मुजम्मिल में, सूरह मुजम्मिल पढ़नी है, उसके बाद आज हमारी दावत है। और अब भी हमारे साथ चले, और माशाल्लाह माशाल्लाह हम कम्बाइंड फैमिली रहते हैं, तो आए दिन हम लोगों की दावतें होती रहती हैं। और फिलहाल हम अभी चलते हैं दावत में। कौन सी दावत है आप लोगों को दिखा? जी भाई मैं जा रही हूँ, आज हमारी दावत है। और बस आ चुके हैं अपने जेठ जी के घर, सूरह मुजम्मिल हो चुकी है हमारी बाइंड अप। और सूरह मुजम्मिल के बाद हमने मगरिब की नमाज अदा की है, मगरिब की नमाज करने के बाद। और मैंने कहा चलो अपने आपको देखा जाए कि नमाज पढ़ने के बाद चेहरे में कितना नूर आया। फिलहाल मैंने वीडियो बनाई अपने लिए कि आपके लिए चलो व्लॉग बनाते हैं। हमने सूरह मुजम्मिल पढ़ ली है, नमाज पढ़ ली है। और जी भैया अब हमारा लग रहा है दस्ताखान। और ये देखिए पाए बने हुए, भाभी ने बनाए बहुत यम्मी से पाए, भाभी निकाल रही हैं ये पाए और अंदर लग रहा है दस्तखान। तो चले हम लोग सब पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और खाना खाने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। ये बिरयानी तो अक्सर खाई, आज हम खा रहे हैं पाए। ये कराची से हमारे पाए खाने आई है हमारी भतीजी, ये अच्छे बने पाए तो लग रहे हैं भगोने से माशा ना, लेस खूब अच्छा हो गया चिपक। आशी ने नहीं खाया खाना? नहीं गई, आशी अभी सोच रही है खाना। आशी खाना खा ले, आ जाना, आ खाना ही खरी, आ जा ले जा, खाना है। हाँ रोटी भिगो भिगो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा दस्तखान लग रहा है और ये हम इस पे रख रहे हैं पाए। हमने आज बनाए यम्मी से पाए और मेड फॉर भाभी, भाभी ने बनाए पाए, एज यूजुअल वही बनाती हैं। जी भाई अंदर पाए खूब खाए जा रहे हैं और माशाल्लाह सबको पाए बहुत पसंद आया। और ये माशाल्लाह भाभी ने पूरा भर के भगोना बनाया था और फर्स्ट शिफ्ट लग चुकी है, अब हमारी लगी है सेकंड शिफ्ट खाने की। और बहुत ही बहुत यमी, यकीन करें टेस्टी पाए बनाए, मैं आपको क्या बताऊं। और पेट भर गया लेकिन नींद नहीं भरी, बेचारा बार बार खाए पाए। और आई थिंक हम पाए जो हैं अपने यहीं खाए जाते हैं। ये रहे हमारे पाए और आज हमारी है पाए पे दावत। भाई मजा आया, चले भाई बाइंड अप हो गया, खाना हम सब खा चुके हैं। और अगेन बार बार बोल रही हूँ खाना बहुत अच्छा टेस्टी बना था। और बस हम अपने जाने वाले हैं घर की तरफ, ये देखें अब बस हम यहाँ लास्ट वीडियो बनाने के बाद और अपने मूव करने वाली हूँ अपने घर की तरफ, इसलिए बच्चों को सुबह स्कूल भी जाना है और गैस जाने वाला है। 5 minutes later पाए खाकर, और सूरह मुजम्मिल थी आज वहाँ पे जिसकी वजह से 5 बजे से गई हुई थी, सूरह मुजम्मिल पड़ी, मिठाई खाई फिर उसके बाद हम खाकर आ रहे हैं पाए। और बहुत जमी पाए भरे थे। मुजम्मिल आप कहाँ पे थे बेटा? जी आप कहाँ थे? मैं पाए खा रहा था। आप पाए खा रहे थे लेकिन अभी हम चाय पी रहे थे, आप जब कहाँ थे? मैं अभी नीचे था काम कर रहा हूँ। हमने चाय बनाई लेकिन कोई बच्चा घर में नहीं था, सब बाहर थे। बस मेरा मोबाइल मुझे बहुत तंग कर रहा है मुजम्मिल, इसको जब मैं फेंकू ना तो आप उठा लेना, बस नया मोबाइल लेने वाली हूँ इंशाल्लाह, ये मेरा हो जाएगा। हाँ बहुत जल्द इंशाल्लाह आईफोन लेने वाली हूँ, बहुत जल्दी मोबाइल लेने वाले है, कमिंग सून मोबाइल लूंगी। मोहम्मद मुजम्मिल की मोबाइल पे नजर है तो इंशाल्लाह अभी मैं डिसाइड कर रही हूँ कौन सा मोबाइल लूँ। नाम मेरे बच्चों को याद होते हैं मोबाइल के, मुझे याद नहीं होते नाम,
कौन सा आईफोन कौन सा है वो? 7 प्लस आईफोन 7 प्लस आई थिंक एक्स्ट्रा बहुत से नाम है ना आईफोन आईफोन 6S हाँ ये वैसे कहती हूँ इनको सारे मोबाइलों के नाम याद है आईफोन 6X हाँ ले जाएंगे हमारा बेटा हमारे पीछे बहुत लगा हुआ है माँ पापा से जरा से बैंक से पैसे निकाल लो जाना नहीं हो रहा मेरा कि वो मोबाइल लेकर तो इंशाल्लाह बेटा बोलो इंशाल्लाह कमिंग सून अच्छा सोचना चाहिए अच्छा बोलना चाहिए अल्लाह जरूर सुनता है कहते हैं ना अल्लाह किसी वक्त की भी हमारी कोई बात सुन लेता है तो हमेशा अपने मुंह से हमें अच्छा बोलना चाहिए आमीन बोलना चाहिए अच्छा भी बोलना चाहिए उसके साथ साथ आमीन भी बोलना चाहिए साथ साथ आई थिंक बेटा मैं एंड में आमीन पे आने वाली चल झूठा रीटेक के वीडियो बनाने में कि मेरा मोबाइल बार बार बंद हो जाता है फ्लैश बंद हो जाती है फिर बार बार मुझे व्लॉग बनाना पड़ता है मैं थक गई हूँ और ना मोबाइल मुझे बहुत तंग कर रहा है इसको करना है हाँ चलिए ठीक है बस चाय हमने कर ली बाइंडर वो भी बात चल रही थी मोबाइल के ऊपर मोबाइल इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर लूंगी मोबाइल इसलिए मोबाइल मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है अभी भी यकीन करें इतनी सी वीडियो बनाने में 1 घंटा लग जाता है कि मोबाइल बार बार ऑफ हो जाता है मेरा और बच्चे भी बहुत परेशान होते हैं एक मोबाइल लेना और एक मुझे क्या लेना है बेटा वीडियो बनाने के लिए स्टैंड लेना है जो मेरे बच्चे जो नखरे दिखाते हैं ना मेरी वीडियो बनाने में तो मैं स्टैंड ले लूंगी तो मसला भी सॉर्ट ऑफ हो जाएगा मेरा फिलहाल स्टैंड तो मैं ले लूंगी आजकल में लेकिन सबसे बड़ा मेन मसला मेरा मोबाइल का है इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर लूंगी आप लोगों की दुआएं चाहिए आप लोगों की सपोर्ट चाहिए मेरे व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें इतना ही कहेगी आपके सिस्टर मोबाइल तो खैर लाजमी मुझे लेना है और बस अच्छे वक्त का इंतजार है और अच्छे कैश का इंतजार है जो शायद मुझे यूट्यूब से मिलने वाला है इंशाल्लाह कमिंग सून एंड आमीन बस ठीक है ये था मजाक की बात फिलहाल अभी यूट्यूब से अभी मुझे कुछ नहीं मिला लेकिन अल्लाह से उम्मीद बहुत अच्छी है कि मुझे मिलेगा इंशाल्लाह और अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखना चाहिए और हमेशा बेटा अच्छा बोलना चाहिए ठीक है फिलहाल आज हमारी पाई की दावत थी आज हम सर मुजम्मिल में गए थे वो हमारा काम हो गया इनफ और मैं अभी वहां से आ चुकी हूँ चाय बना के मैंने पी सारे लेकिन सारे बच्चे अपने बड़े अबू के घर पे ही थे और बड़ा मजा आता है गेट टूगेदर हम बहुत जल्द मिलते हैं एक दूसरे से बातें करते हैं मिलते हैं बस इसी का नाम जिंदगी है इतना बॉन्डिंग जितनी अल्लाह ने जिंदगी दी ना तो उसको हंस बोल कर मिल बांट कर हम बिता लें तो क्या बात है अपने दिलों से नफरतें रंजिशें जलना खड़ना क्या कहते हैं जलना मरना ये सब खत्म कर दें तो क्या ही बात है बस ये ब्लॉग तो मैं करने वाली हूँ बाइंड अप आपकी सिस्टर बस अंकल में आपको एक मैसेज दे दिया कि मोबाइल लेने वाली आईफोन लेने वाली हूँ मुजम्मिल बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे मैं भी लेने जाने वाली हूँ मोबाइल कल ना चलेंगे हाँ वो आप गाड़ी निकालो अपनी और ये देखे हमने कल नहीं हूँ बैंगल्स पहनी मुजम्मिल देखो ये हमने कल नहीं बैंगल्स पहनी हमारे हस्बैंड ने हमें पहनाई आई थिंक वो चुड़िया बहुत खराब हो गई थी मेरी और गोल्ड रिंग गोल्ड बैंगल गोल्ड कड़े अपने घर में पहनती नहीं हूँ मैं तो मैं फिलहाल ये डाल लेती हूँ सोना बहुत बहुत सोना है मेरे पास और बहुत गिर रहा है बहुत है सोना बेटा और रखना मुश्किल हो गया है चले बस ठीक है इंशाल्लाह और आमीन अल्लाह ना इस व्लॉग को मैंने ज्यादा बड़ा नहीं करूंगी जो आप देख के बोल जाएंगे हमारे यहाँ कल का जो इवेंट है बहुत जबरदस्त होने वाला है कल हमारे क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ कल हमारे यहाँ हलीम है और हलीम बनेगा कल हमारा और आज का भी दिन बहुत अच्छा गुजरा सारा दिन अब और किसका सफर का महीना स्टार्ट हो चुका है आप लोगों से फिर बोलूंगी सफर का महीना स्टार्ट हो चुका है इस महीने 13 जेजी का महीना है हम सूरह मुजम्मिल पढ़ते हैं ज्यादा से ज्यादा वो पढ़वाएं अपने घरों में और कहते हैं कि ये मर्द हजरात के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है सूरह मुजम्मिल आप पढ़े इसलिए कि मर्द हजरात पे से जो भी बुराइयां होती हैं टेंशन होती है वो अल्लाह सब दूर करता है तो इस महीने सूरह मुजम्मिल पढ़े और अपने मर्द हजरात को सेफ करें ठीक है ये हो गया और बस ठीक है इसके साथ इस व्लॉग को मैं करूंगी बाइंडर इस व्लॉग को करूंगी मैं खत्म पाई खा ली है बहुत एंजॉय किया कल का व्लॉग इग्नोर मत कीजिएगा मिस मत कीजिएगा कल का व्लॉग और इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूंगी और प्लीज मेरे व्लॉग को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट व्लॉग में आपकी सिस्टर आपको जल्द मिलेगी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़